वेलकम स्टूडेंट्स इन खुशिंदर सर क्लासेस. स्टूडेंट्स, लेट अस रीड द रिमेनिंग चैप्टर. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस रीड ऑन जनवरी 4th. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंजा स्टूडेंट. ऑन जनवरी 4th, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग. जनवरी 4th को स्टूडेंट लगभग 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बाद, यानी कि पंप के द्वारा पानी बाहर निकालने के बाद, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. अब हमारे पास जहाज में कुछ ही सेंटीमीटर पानी रह गया, यानी कि उतना पानी रखने में हम सफल हुए. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर. अब हमें केवल उस पानी से लड़ना था. वाटर स्टिल कमिंग इन, जो पानी अब अंदर आ रहा था, अब हमें केवल उसी पानी से लड़ना था जो पानी अंदर आ रहा था. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. अब हम अपने मुख्य मस्तूल पर कोई भी पाल नहीं लगा सकते थे, चढ़ा सकते थे, सेट कर सकते थे. प्रेशर ऑन द रिगिंग, क्योंकि रिगिंग रस्सी खींचने का जो प्रेशर था, वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट. जो टूटा हुआ भाग था, डैमेज सेक्शन ऑफ हल अपार्ट का मतलब है जो खुल गया था जहाज का, जो टूटे हुए भाग का जो दबाव की वजह से जो खुल गया था, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो दबाव था रस्सी का, वो खींच सकता था और तोड़ सकता था. जो डैमेज सेक्शन ऑफ हल अपार्ट जो अलग हो गया था, स्टारबोर्ड का जो भाग था जो अलग हो गया था, उसको ये रस्सी और भी ज़्यादा खींच लेती हवा की वजह से. अगर हम इस पर पाल चढ़ाते तो इससे ये पूरा भाग टूट सकता था, पूरी नाव टूट सकती थी. सो वी हॉइस्ट द स्टॉर्म जिब, इसलिए हमने एक स्टॉर्म जिब लगाई, यानी कि तूफान की छोटी जिब लगाई, पाल लगाई, जिसको हम ये कह सकते हैं कि छोटी पाल को अब हमने चढ़ा दिया. एंड हैडेड फोर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर. और अब हम उस ओर आगे बढ़े जहाँ पर मैंने सोचा था कि दो अन्य आइलैंड वहाँ पर थे. यहाँ पर हॉइस्ट द स्टॉर्म जिब का मतलब है स्टूडेंट्स, हमने पाल को चढ़ा दिया या खोल दिया और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े. मैंने सोचा कि जहाँ पर दो आइलैंड थे उस तरफ अब हम आगे बढ़े. मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ. अब मैरी को कुछ कॉर्न बीफ मिला, यानी कि यहाँ पर कॉर्न बीफ, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि गाय के बने हुए या मक्की के द्वारा बने हुए जो कुछ बिस्किट थे, एंड क्रैकर बिस्किट और कुछ करारे बिस्किट वगैरह उसको मिला. एंड वी एट आर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. और अब हमने इन्हीं के साथ लगभग 2 दिन के बाद हमने अपना पहला भोजन किया, यानी कि कॉर्न बीफ के साथ और क्रैकर बिस्किट के साथ. बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव, परंतु हमारा जो आराम था थोड़े समय के लिए था. एट 4 PM और 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगिन, 4 बजे काले बादल फिर दोबारा शुरू हो गए बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, यानी कि हमारे पीछे छाने शुरू हो गए, हमारे पीछे बनने शुरू हो गए. विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots. और लगभग एक ही घंटे में जो हवा जो थी वो वापस, यानी कि फिर से 40 समुद्री मील की गति से चलने लगी. नॉट सीयर मीन्स समुद्र की जो गति होती है, यानी कि समुद्र को मील से नापते हैं, तो 40 समुद्री मील की गति से चलने लगी. एंड द सी वर गेटिंग हायर, और समुद्र की जो लहरें थी और ऊंची ऊंची उठने लगी. द वेदर कंटिन्यूड टू डेटोरेट थ्रू आउट द नाइट. और जो वेदर था, यानी कि मौसम लगातार बिगड़ता गया रात भर के दौरान, या सारी रात मौसम लगातार बिगड़ता गया. एंड बाय डॉन, और सुबह होने तक, ऑन जनवरी 5th, और यानी कि जब 5 जनवरी हुई उसकी सुबह तक, आर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, हमारी जो हालत थी वो फिर से निराशाजनक हो गई. व्हेन आई वेंट इन अ कंफर्ट द चिल्ड्रन, और जब मैं बच्चे को दिलासा देने के लिए गया, आई वेंट इन टू कंफर्ट द चिल्ड्रन, बच्चे को दिलासा देने के लिए गया. जॉन आस्क, तो जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं, यानी कि जोनाथन ने पूछा अपने डैडी से, नरेटर से, क्या हम मरने जा रहे हैं. आई ट्राइड टू एश्योर हिम, मैंने प्रयत्न किया उसे विश्वास दिलाने का, दैट कि वी कुड मेक इट, कि नहीं हम जो है नहीं मरेंगे. एंड बट डैडी, परंतु डैडी ही वेंट ऑन,
अब उसने जब पूछा तो उसने दिलासा देने की कोशिश की कि हम इसमें नहीं मरेंगे, हम यानी कि झेल जाएंगे, वी कुड मेक इट, या कैसे भी करके पॉसिबिलिटी करेंगे और बच निकलेंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, परंतु उसने कहा कि डैडी ही वेंट ऑन, तो डैडी जो है यानी कि नरेटर जो है वो अब चला गया, या उसने अपना कहना जारी रखा, हम ये कह सकते हैं। एंड वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने नहीं जा रहे हैं, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और या हम जो इस हमारे चैप्टर की मेन जो लाइन है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि यदि हम एक साथ हैं। दैट इज़ स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द टाइटल ऑफ द चैप्टर, यू एंड मम्मी, शिव एंड आई, यानी कि तुम, मम्मी, शिव और मैं। शिव यानी कि जो उसकी बेटी सुजैन थी उसके बारे में कहा गया है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड, अब मेरे पास जवाब न शब्द नहीं थे जिनके द्वारा मैं कोई जवाब दे पाता। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन केविन, परंतु मैंने इन्हीं शब्दों के साथ जो है मुकाबला करने के लिए डिटरमाइंड करते हुए मैंने बच्चों के केविन को छोड़ दिया। डिटरमाइंड टू फाइट लड़ने के लिए द सी, समुद्र से, विद एवरीथिंग आई हैड, जो भी कुछ मेरे साथ था उसी के साथ मैं संकल्प लेकर के लड़ने के लिए बच्चों के केविन को छोड़कर निकल गया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, पहले तो बचाने के लिए जो साइड बोर्ड की जो लकड़ी थी यानी कि जो नाव की जो दीवार का जो साइड वाला हिस्सा था जो कमज़ोर हो चुका था उसको बचाने के लिए, आई डिसाइडेड टू हिटार्टो विद द अनडैमेज पार्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स, क्या कि कमज़ोर दीवार को बचाने के लिए मैंने उसको उठाने का निश्चय किया। ही लहरों का सामना कर रहे जहाज के निचले हिस्से के साथ जो कमजोर पड़ चुकी थी, एंड यूजिंग एन इम्पॉवरिस्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप। अब देखिए स्टूडेंट, मैं एक बार फिर क्लियर करता हूँ, आई डिसाइडेड टू हथैर्टो, मैंने फिर निश्चय किया हथैर्टो विद द अनडैमेज पार्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव, मैंने फिर दोबारा से जो हिस्सा जो टूट गया था उसको उठाने की कोशिश की जिससे कि हम आगे आने वाली ऑन कमिंग जो लहरें थी जो उनसे हम सामना कर सकें। एंड यूजिंग एन इम्पॉवरिश सी, और इसके लिए मैंने क्या किया कि एक जो कमज़ोर पड़ गया जो सी एंकर था ऑफ हैवी नायलॉन रोप का, जो यानी कि भारी नायलॉन की रस्सी के लंगर को मैंने प्रयोग किया, एंड 22 लीटर प्लास्टिक वैरल्स ऑफ पैराफिन, और 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल के प्लास्टिक ढोल का प्रयोग करते हुए उसे मैंने बचाने की कोशिश की, उस यानी कि टूटे हुए भाग को रस्सी के द्वारा और उस 22 लीटर प्लास्टिक बैरल से मैंने उसे बांध दिया। इट मींस ये कहना चाहता है नरेटर, दैट इवनिंग, और उस शाम, मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, मैरी और मैं एक दूसरे के साथ हाथ पकड़े हुए थामे हुए बैठ गए, एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक, जैसे कि अब शाम को मैरी और जो नरेटर है वो दोनों ही एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बैठे हुए थे, तो उस समय पर एज द मोशन ऑफ द शिप, जैसे जैसे जहाज की जो गति थी उसके हिलने की वजह से, ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर, और अधिक पानी आ रहा था इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक, यानी कि टूटे हुए प्लैंक से, तख्तों से, एंड वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज नियर, अब हम दोनों ने सोचा कि अंतिम समय नजदीक था, एंड बट वेव वॉकर रॉड आउट द स्टॉर्म, परंतु वेव वॉकर तूफान में से गुजरा। बाय द इवनिंग ऑफ द January 6, और 6 जनवरी को सुबह जो थी, एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6, 6 जनवरी को सुबह, विद द विंड ईजिंग, और जो हवा जो है वो मंद पड़ गई, ईज हो गई, आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, अब मैंने प्रयत्न किया कि मैं जो है सेक्सटेंट जो थी उसको पढ़ने की कोशिश की, बैक इन द चार्ट रूम में जाकर के मैं चार्ट रूम कक्ष में गया, वहाँ मैंने सेक्सटेंट को मैंने पढ़ा जो दिशा के डायरेक्शन के बारे में बताती है घड़ी। आई वर्कड ऑन द विंड स्पीड, मैंने कार्य किया यानी कि हवा की गति पर कि कितनी तेज हवा चल रही है, एंड चेंजेस ऑफ द कोर्स, और बदलते हुए पड़ाव के बारे में या मार्ग में परिवर्तन के बारे में मैंने डिसाइड किया, काम किया उस पर, एंड ड्रिफ्ट और बहाव के बारे में, एंड करंट धाराओं के बारे में, इन एन एफर्ट्स टू कैलकुलेट आर पोजिशन, और इस सब की गणना करते हुए मैंने ये गणना करने की कोशिश की कि हम किस स्थिति में पहुँचे हुए हैं टू कैलकुलेट
कैलकुलेट आवर सिचुएशन कि हमारी पोजीशन कहाँ है, क्या है, उन सबको कैलकुलेट करके मैंने अपनी स्थिति का पता लगाया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट, जो सबसे ज़्यादा यही मुझे पता चला कि दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशन, कि हम कहीं पर 150,000 किलोमीटर समुद्र में कहीं पर थे, एंड लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड और 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप को खोज कर रहे हैं। तो मैंने अब अपने आप को पाया। वाइल जबकि आई वॉज थिंकिंग, मैं ये सोच रहा था, शू मूविंग पेनफुली, जो शू थी वो दर्द से चलते हुए जॉइन मी, वो भी हमारे पास आई, एंड द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन, अब उसका जो लेफ्ट साइड था, सिर का जो बाईं तरफ था, वो बहुत ज़्यादा सूज गया था, एंड हर ब्लैक एंड आइड नैरो टू स्लिट, और उसकी जो आंखें थी, काली आंखें तंग होकर के स्लिट बन गई थी, जैसे जैसे कोई आंख पर मुक्का मार दे और वो स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि सूज जाती है, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, इस तरीके से उसकी आंखें हो गई। एंड सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड, अब उसने मुझे एक कार्ड दिया, यानी कि एक कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड जैसे होता है, इस टाइप से एक कार्ड दिया जो उसने खुद ने बनाया है। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी, अब कार्ड के ऊपर उसने कैरिकेचर बनाया हुआ था मैरी का, एंड मी और मेरा, विद द वर्ड्स, और उस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, हेयर आर सम फनी पीपल, कि यहाँ पर कुछ मजाकिया लोग हैं, एंड डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया, आई लाफ आ लॉट, मैं तो बहुत हंसी एज वेल, जितना कि हंस सकती थी। इनसाइड वाज अ मैसेज, वहाँ पर एक मैसेज भी लिखा हुआ था, संदेश भी लिखा हुआ था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं तुम्हें कितना अधिक प्यार करती हूँ, उस पर यह भी लिखा हुआ था, सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, ये एक प्रकार से जो कार्ड था वो तुम्हें धन्यवाद करने के लिए है, एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, आओ हम अच्छे की कामना करें, या अच्छे की कामना करने के लिए कार्ड है, और तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए ये कार्ड है, सम हाउ वी हैड टू मेक इट, और किसी न किसी तरह हम इस पर काबू पाना ही पड़ेगा, या कैसे भी करके वी हैड टू मेक इट, हम इसे काबू पा लेंगे। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने अब चेक किया और फिर रीचेक किया कैलकुलेशन को। स्टूडेंट, दिस स्टेंजा इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा, सो स्टूडेंट्स आई होप दैट यू हैव लर्नड इट द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल खुशिंदर सर क्लासेज, एंड द रेस्ट रिमेनिंग पार्ट वी विल रीड इन आर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।